आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं फाइकस के प्लांट की बोनसाई, और हमारे पास ये तकरीबन एक साल पुराना फाइकस का प्लांट है। दोस्तों, मैंने जैसा कि पहले भी बहुत बार बताया कि फाइकस एक बहुत अच्छा प्लांट होता है बोनसाई बनाने के लिए, बहुत ही आसानी से ये बोनसाई में कन्वर्ट हो भी जाता है। असल तो जब हम बोनसाई बनाते हैं फाइकस की, तो टाइगर बार्क फाइकस जो होता है वो सबसे अच्छा होता है फाइकस की वेराइटीज़ में बोनसाई बनाने के लिए। लेकिन फाइकस की इतनी वेराइटीज़ आती हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे प्लांट होते हैं फाइकस के जो फाइकस में गिने जाते हैं। लेकिन मेरे पास ये पांडा फाइकस है, और इसके अलावा भी एक दो वेराइटी और हैं। लेकिन अपने आसपास की जितनी लोकल नर्सरीज़ हैं, मैंने यहाँ पर बहुत पता किया, लेकिन मुझको टाइगर बार्क फाइकस नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। सबसे पहला काम जो हमारा होता है बोनसाई बनाने में, वो वायरिंग का होता है। तो सबसे पहले हम इस पर वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि इसका जो तना है वो काफ़ी लंबा आपको दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर इसमें ब्रांचेज निकली हुई हैं। नीचे की जितनी ब्रांच थी वो शुरू से मैं हटाता चल रहा था, क्योंकि मुझको इसका तना लंबा करना था। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है फाइकस का प्लांट है बोनसाई बनाने के लिए। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि जब हमारा प्लांट का जो तना है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तब हम फाइकस की बोनसाई बनाने के लिए चलते हैं, तो फिर ये इसमें कर्व नहीं दे पाते हम, और जिस तरह से इसको मोड़ना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं मोड़ पाते। तो अब इसका जो तना है उसमें काफ़ी लचक है, तो आसानी से ये जहाँ हम चाहें इसको मोड़ सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से वायरिंग कर देंगे, और दोस्तों जो ब्रांच जिस टाइप की है हमको उसी टाइप का तार लपेटना है। जहाँ जो ब्रांच पतली हो तो हमको बारीक उस पर वायर लपेटेंगे, और जो मोटी ब्रांचेज हैं उन पर हम मोटा वायर लपेटेंगे। क्योंकि फिर जब हमारी जो हमारा प्लांट है वो मोटा होता है, तो फिर क्या होना होता है कि वो ब्रांच के अंदर घुसने लगता है, तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो आगे आप देखेंगे कि किस किस तरह से हम ब्रांचेज को इनको मोड़ते हैं।
फाइनली हमारा काम जो था वो पूरा हो गया है, हमने जितनी वायरिंग करनी थी वो भी कर दी है और उसको बहुत खूबसूरत शेप भी दे दी है। हालांकि इसकी शेप देने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, कई बार इसको शेप देकर मैंने फिर दोबारा से रिशेप किया, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है कि एक तरह से हम एक प्लांट को जब शेप देते हैं तो उसके आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं कि ये कैसा लगेगा। तो अब मैं इसको रिपोर्ट तो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि जब ये ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये प्रॉपर बोनसाई नहीं है, अभी हमने इस पर वर्क किया है, तो जब ये कम से कम 3 महीने तक तो मैं इसको भी रिपोर्ट नहीं करूँगा। ये एक पॉलीथीन बैग में लगा हुआ प्लांट है तो पॉलीथीन बैग में ही इसको मैं लगा रहने दूंगा, और जब ये अच्छे से एक नई शेप जो हमने इसको दी है जब ये डेवलप होनी शुरू होगी उसके बाद ही मैं इसको रिपोर्ट करूँगा। तो फिलहाल ये बहुत ही अच्छी बोनसाई की जो शेप है वो मैंने इसको दी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर बोनसाई की और प्लांट्स की और गार्डनिंग के बारे में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी।